किसी भी इकोसिस्टम में बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स वहां पर स्पीशीज की ग्रोथ में और वहां पर स्पीशीज की डाइवर्सिटी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अगर कोई इम्बेलेंस ऐसा आ जाता है जो कि इन फैक्टर्स को, चाहे वो बायोटिक हों चाहे वो एबायोटिक हों, पर्टिकुलरली अगर वो एबायोटिक हों, तो वो वहां पर स्पीशीज की जो भी पॉपुलेशन हैं उनकी सर्वाइवल को बहुत रिस्क पे ले जाता है. सो इन दैट केस इफ दिस एडवर्सिटी और एडवर्स सिचुएशंस बहुत इंटेंस हो जाएं, तो रिजल्टेंटली देर कुड बी टर्मिनेशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशी इन अ हैबिटेट. एंड दिस टर्मिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर टैक्सॉन इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज एक्सटिंक्शन. एक्सटिंक्शन के मूवमेंट को हम डिफाइन करते हैं कि जब लास्ट इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू दैट ग्रुप इट वुड डाई, तो वी वुड से देर इज नो चांस, देर इज नो पॉसिबिलिटी टू रिवाइव दिस पॉपुलेशन अगेन. सो वेन द लास्ट इंडिविजुअल डाइज दिस इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ एक्सटिंक्शन. और इस लास्ट इंडिविजुअल की डेथ से पहले ही उस ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन की ब्रीडिंग और रिकवरी की जो अपॉर्चुनिटीज हैं या उसकी एक एक्सटेंट है वो ऑलरेडी डिमिनिश हो चुका होता है. एक्सटिंक्शन की बहुत सारी रीजंस हैं, इनको बाद में बहुत डिटेल के साथ भी स्टडी करेंगे, बट यहां पर देर आर वेराइटी ऑफ रीजंस विच कैन अफेक्ट पॉपुलेशन सर्वाइवल इंडिपेंडेंटली और इट कुड बी प्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ अ ग्रुप. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ एक्सटिंक्शन इज डिस्ट्रप्शन ऑफ हैबिटेट, लॉस ऑफ एनी इकोसिस्टम इंटरेक्शंस. फॉर एग्जाम्पल वहां की फूड चेन और फूड वेब जो है वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है किसी एक पॉइंट पर, एक से ज्यादा पॉइंट पर, तो वो इस इकोसिस्टम के बैलेंस को, उसके बायोटिक फैक्टर के जो बैलेंस होगा उसको डिस्टर्ब कर देता है. इसके अलावा और भी जो इंटरेक्शन हमने स्टडी की है, फॉर एग्जाम्पल सिम्बियोसिस है, प्रीडेशन है, इसमें किसी एक स्पीशी की एलिमिनेशन, एक से ज्यादा स्पीशीज की एक्सटिंक्शन, वहां पर मौजूद दूसरी स्पीशीज की फंक्शनिंग को नेगेटिवली अफेक्ट करती है. एक्सटिंक्शन की दो दूसरी रीजंस हैं, उनमें से द अदर वन इज पॉल्यूशन विच इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज. देर कुड बी लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस जिसमें कि ह्यूमन एक्टिविटीज ही इन्वॉल्व होंगी वहां के हैबिटेट को डैमेज करने के लिए, और इस हैबिटेट डैमेज में किसी ऐसी स्पीशी को एलिमिनेट कर देंगे जिससे दूसरी स्पीशीज की सर्वाइवल रिलेटेड है. सो देर वुड बी अ लॉस इन जेनेटिक वेरिएशंस, और ऐसी गुड वेरिएशंस जो कि सर्वाइवल के चांसेस को इंक्रीज करती हैं, दोज गुड वेरिएशंस आर बीइंग लॉस्ट एंड द वीक इंडिविजुअल्स ऑफ दैट पॉपुलेशन दे बिकम एक्सटिंक्ट. देर कुड बी कैटेस्ट्रोफिक डिस्टर्बेंसेस, कैटेस्ट्रोफिक इवेंट्स, अचानक हो जाने वाला कोई भी ऐसा वाकया जो कि नेचुरली हो रहा है, उसमें ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है. इट कुड बी वोल्केनिक अरप्शन, इट कुड बी अ मीटराइट, बुश फायर, फ्लडिंग, ये भी किसी स्मॉल साइज ऑफ स्पीशी को एक्सटिंक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा नेचुरल और ह्यूमन कास्ट एक्टिविटीज जो हैं, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज. बट डिस्ट्रप्शन ऑफ इकोसिस्टम इंटरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट मेजर कॉज बिहाइंड द एक्सटिंक्शन. सो वंस दैट इकोसिस्टम इज डिस्ट्रप्टेड, द हैबिटेट इज लॉस्ट बाय डिफरेंट रीजन्स, वहां पर मौजूद स्पीशीज उनकी पॉपुलेशन सर्वाइव करने के काबिल नहीं रहती. सो ही वी कुड से कि इफ हैबिटेट इज लॉस्ट, वी कुड सी इन दिस टेबल कि मैमल्स की 19 स्पीशीज ऐसी हैं जो कि सिर्फ हैबिटेट लॉस की वजह से एक्सटिंक्ट हुई हैं. 20 इन बर्ड्स, 5 इन रेप्टाइल्स, 35 इन फिशेस. सो वी कुड से दैट हैबिटेट लॉस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ मॉडर्न डे एक्सटिंक्शन. सो किसी भी स्पीशी का हैबिटेट लॉस होने के पीछे सबसे बड़ी रीजन जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज है जो कि नेगेटिवली अफेक्ट कर रही हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स को. और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स में, इसमें रेनफॉल्स भी हैं, इसमें टेम्परेट जोन्स भी हैं, इसमें टुंड्रा भी है, इसमें पोलर एरियाज भी हैं, एंड इवन द ओशन फ्लोर्स आर ऑल्सो बींग अफेक्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज. सो नेचुरल हैबिटेट्स आर एडवर्सली अफेक्टेड in three ways. One is the habitat destruction by the human activities, second is pollution, again human is responsible for this, and the third is habitat fragmentation. So we will study the habitat destruction firstly.
Let's study the different reasons of habitat destruction and its effects on an ecosystem with the help of this video. 8 birds, 1 out of 4 mammals, 1 out of 4 conifers, 1 out of 3 amphibians, and 6 out of 7 marine turtles are threatened with extinction because of human actions. Habitat loss, pollution, and overexploitation are a few ways the actions of people will negatively affect the biodiversity. Deforestation is a major action by people that will cause the loss of biodiversity. People can do this by starting a forest fire, clearing trees for agriculture, and urbanization. Overexploitation occurs when people harvest a species faster than the population can recover. This can apply to overfishing and overhunting. It is estimated that 75 to 80% of fisheries are fully or overexploited. One example of overfishing would be shark hunting. Every year, about 100 million sharks are killed due to this event. Since sharks are at the top of the food chain, the balance of the ecosystem is thrown off because of the decreasing number of sharks. As you can see, people are increasing the rate of extinction and loss of biodiversity because of our harmful events. Habitat destruction, habitat degradation, pollution, deforestation, urbanization, overuse of resources, and overexploitation are many ways caused by people that will result in damage to the environment. Once there is a loss in biodiversity, then the services that the environment had to offer will slowly decrease.